सीएम सिटी में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लुटेरों को पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। लुटेरे यहां बेखौफ होकर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रख धरे बैठी है। मामला करनाल के निसिंग का है, जहां बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक के बल पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 1 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी करनाल स्थित नेशनल हाईवे पर घरोंडा में भी नेशनल हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंपों पर बाइक सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने इन दोनों लूट की वारदात को कड़ी मशक्कत के बाद सुलझा लिया था, जिसके बाद करनाल जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने चैन की सांस ली थी। लेकिन आज फिर करनाल के निसिंग में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से हुई लूट के बाद पेट्रोल पंप संचालक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं पुलिस के लिए भी इस लूट की वारदात को सुलझाने में कितना समय लगेगा, यह देखने वाली बात होगी। अपना एक बंदा आया था, वो मेरे वर्करों से अपना लूट के ले गया उनकी कैश बैग्स, और थाने इन्फॉर्म कर दिया गया था। एसपी साहब से भी बात हो गई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा अपना कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर अपना रिजल्ट। तो लगभग सर कितना कैश होगा अंदाजा? लगभग 1 लाख। 1 लाख? तो एक ही बंदा आया था एक बाइक पे? हाँ जी, एक बाइक पे एक बंदा आया था, वहाँ तो फायर करके गया। सीसीटीवी में सब कुछ दिख रहा है? हाँ जी, सीसीटीवी सीसीटीवी देखो, मैंने तो देखा नहीं। तो पुलिस ले गई अपने साथ? सीसीटीवी? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इसके अपना वो रिजल्ट्स निकाल। तो पुलिस पहुंची थी मौके पर? हाँ जी बिल्कुल, सीआई स्टाफ के भी बंदे आए थे। तो क्या समझते हैं, पहले भी जो पंप पे लूट हुई थी, दो पंपों पे, तो क्या? देखो जी, हमें तो यही खबर मिली थी कि वो बंदे पकड़ लिए गए। हाँ, वो तो पकड़ा गया। थोड़े से हम सेफ फील कर रहे थे, तो अब इनसिक्योरिटी तो होती है। नहीं, हमारी इनसिक्योरिटी तो हमारे वर्कर हैं, बेचारे गरीब लड़के हैं, ये तो अपनी रोजी कमाते। तो सिंगल से कैश छीना सर उसने आके गन पॉइंट? हाँ जी, वन बाय वन पूरी हिम्मत से उस लड़के ने, उसको ये मालूम था इनके गनमैन कितने बजे आते हैं अपनी। तो गनमैन के आने से पहले रात को गनमैन रखा है? तो जैसा कि सर आप बता रहे कि उन्हें पहले से पता था गनमैन कितने बजे, तो हो सकता है प्रीप्लान था? पैदल आया, वो पैदल आकर हेलमेट उसने पहना था और रुमाल बांध रखा था मुंह पर। तो मैं कैश गिन रहा था, तो उन्होंने बोला भी सारा कैश बैग के अंदर डाल दिया। मैंने कहा क्या बात है भाई, तो बोल रहा डाल रहा है नहीं, उसने बंदूक मेरे यहाँ लगाई, तो सारा कैश बैग के अंदर डलवा कर बैग छीन लिया मेरे। तो लगभग कितना कैश गया टोटल? सर टोटल कोई 1 लाख के करीब। 1 लाख के लगभग? एक ही व्यक्ति था जी, बाइक पे? नंबर आपने नोट किया? बाइक के पीछे पीले कलर की टेप लगी हुई थी नंबर में। तो हवाई फायर जाते समय किया उसने? जाते समय किया हवाई फायर। तो पुलिस आई थी अभी? वो आई थी। तो सीसीटीवी में आया और चोर को कर? वो सीसीटीवी फुटेज लेके गई वो पुलिस ले गई है। तो आपने देखी थी सीसीटीवी उसमें आ रहा था? क्या नाम आपका? नवीन है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।